एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो की शुरुआत होती है डीआईवाई बटरफ्लाई से। पिस्ते के छिलके से बनाई है। नाश्ते में बनाया है ये उपमा, जो कुछ ज़्यादा ही खुश है और डांस कर रहा है। यहाँ पे मैं ओपन कर रही हूँ अपना पार्सल। मैंने एक टी शर्ट ऑर्डर की थी फुल स्लीव, क्योंकि मेरे पास सब हाफ स्लीव्स बची हुई हैं, तो मैंने ये ऑर्डर की थी। कलर भी मुझे सही लगा और काफ़ी सिंपल और अच्छी सी टी शर्ट है। अभी मैं इसको नहाकर पहन लूँगी थोड़ी देर बाद। अभी इसको वॉश करके डाल दूँगी। काफ़ी अच्छी लगी मुझे। फिर मैंने खाए प्रसाद के लड्डू, बहुत टेस्टी थे, बहुत सॉफ्ट, मज़ा आ गया लड्डू खाकर, और इसलिए मैं डांस कर रही हूँ। टी शर्ट मैंने पहन ली है और मैं खा रही हूँ प्लेन चिप्स जो नवरात्रि में आते हैं, ओनली सॉल्ट वाले। ये मेरा एक पुराना जैकेट पहनकर इतरा रही है छपरी। इसको लग रहा है कि मैं इस वीडियो को म्यूट नहीं करूँगी और ये मेरी बुराई करेगी और मैं आप लोगों तक पहुँचा दूँगी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये इस वीडियो में मेरी बहुत सारी बुराई करने वाली है जिसको मैं आप लोगों को नहीं सुनाऊँगी। ये कह रही है कि इसका बर्थडे आने वाला है 21 अक्टूबर को, तो मुझे भी इसके लिए कोई हुडी या जैकेट ऑर्डर कर देनी चाहिए। तो इसको गुस्सा भी आ रहा था और ये इसीलिए मुझसे नाराज़ है। कह रही थी अपने लिए तो टी शर्ट ऑर्डर कर ली, मेरे लिए क्यों नहीं मंगवाया? वैसे मैंने ऑलरेडी इसके लिए ऑर्डर कर दिया है, लेकिन मैंने इसको बताया नहीं है। वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो की एडिटिंग में, क्योंकि अभी तो ये वीडियो इसके बर्थडे से पहले ही फिनिश हो जाएगा। अब मैं आपको एक और नया हैक सिखाऊंगी। जब मेरे लंच का टाइम आया तो इसमें से कढ़ी में से सारे पकोड़े जो हैं वो अगवा कर ले गए थे, इसलिए मैंने दिमाग लगाया और मैंने बूंदियों को पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो दिया और फिर मैंने अपनी कढ़ी में डाल लिया और ऊपर से डाल दिया थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। अगर कभी आपको कढ़ी खाने का मन है तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगती है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जब तक कढ़ी में बूंदी थोड़ा सा सोख हो रही है, तब तक मैं अपना एक न्यू पैन ओपन कर लेती हूँ। इस पैकेट में बस ये दो ही पैन बचे हैं बेचारे। किसी तरह से बच्चों ने मेरे सारे पैकेट सारे पैन इधर उधर कर दिए, इनसे पैन बचाना मुश्किल। करी लग रही है बहुत ही टेस्टी। इसको खाते हुए मैं थोड़ी सी अपनी पढ़ाई करूँगी, क्योंकि मुझे स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद है और उस पर वीडियोज़ बनाना। तो मैं अभी थोड़ी सी पढ़ाई करूँगी खाते खाते। अगर आपको कहानियाँ पढ़ने का शौक़ है तो आप मुंशी प्रेमचंद जी से स्टार्ट करें। मुंशी प्रेमचंद जी के बाद आपको पढ़नी चाहिए सुभद्रा कुमारी चौहान, और उसके बाद जाना चाहिए भीष्म साहनी या फिर सादत हसन मंटो की तरफ। देश का पर बुरा हाल है, पढ़े लिखे भी अनएम्प्लॉयड है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे कल जीतेंगे परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। मोदी गवर्नमेंट बस मुझे इसीलिए पसंद नहीं है, मुझे लगता है कि बेरोजगारी काफी बढ़ गई है। अब इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि लोग है ना गवर्नमेंट जॉब के अलावा और कोई अल्टरनेटिव लेने को तैयार नहीं है। लेकिन बहुत सारे रेशियो अगर देखा जाए तो लोग बिजनेस में भी ट्राई कर रहे हैं और वहाँ भी काफ़ी लॉस हो रहा है। अब इतनी बड़ी तो मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट के लिए और ज़्यादा एक्शन्स लेने की ज़रूरत है। कुछ नल्लों के लिए खैर यूट्यूब बहुत अच्छा ऑप्शन आ गया है। मैं इसके फीचर्स से और इसकी पेमेंट से काफ़ी खुश हूँ। इनवॉलेंट्री फंक्शंस ऑफ द बॉडी, इट इज कॉल्ड मिड ब्रेन, मिड और मेड्यूला, मेड्यूला। अच्छा ये बताओ इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं? जस्ट लाइक आवर हार्ट बीट और डाइजेशन। पर उन्हें मेड्यूला कंट्रोल करता है। जैसे मैं जैसे मुझे कंट्रोल करती है। हाँ, मैं मेड्यूला। ये इनवॉलंटरी एक्शन है, किसी और के कंट्रोल में नहीं आती, मेरे कंट्रोल में आती है। दिशु सुन ना, तेरे क्लास के स्टूडेंट कैसे बोलते हैं जब मैम ये पढ़ाती है? अरे हाँ, एक दिन पता है क्या हुआ? मैम बोलने लगी बेटा खड़े हो जाओ, अपनी हार्ट बीट रोक लो। मैम ने थोड़ी देर बाद पूछा बेटा रोक ली? वो कहने लगा यस मैम रोक ली। वो ये शो कर रहे थे कि हमारे कंट्रोल में है। मैम ने बोला आपने अपनी हार्ट बीट रोक ली? वो कहने लगा यस मैम रोक ली। फिर वो मैम कहने लगी बेटा आप हार्ट बीट कैसे रोक लोगे, वो तो इनवॉलंटरी एक्शन है और आप आपके कंट्रोल में ही नहीं है। बच्चे बहुत ओवर स्मार्ट होते हैं, जैसे हमारी वानू है, जैसे हमारी दिशु भी है थोड़ी थोड़ी। मैम ने पूछा कि आपने हार्ट बीट रोक ली? ये कह रहा है यस मैम रोक ली, हार्ट बीट रोक ली। अगले दिन कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा कठिन परिश्रम, हमारा खौफनाक कार्य अब आप देख सकते हैं। मुझे लगता है कि इस सारे सेटअप को देखकर आपको आइडिया हो गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। हम धोने वाले हैं बहुत सारे गेहूं, क्योंकि हमारे यहाँ पर गांव के जो गेहूं होते हैं उनको खरीद कर
वॉश करके रख देते हैं और फिर उसके बाद उनको पिसवाकर उन्हीं की रोटी बनाकर खाते हैं। मुझे ज़्यादा अच्छा इसलिए लग रहा है कि आज इस बंदरिया की छुट्टी है और काफ़ी सारा काम ये भी करवा देगी, तो मेरी मेहनत जो है वो बट गई है, 50-50 हो गई है, कुछ मैं करूँगी कुछ ये करेगी और काम हो जाएगा। नहीं क्योंकि मम्मी के साथ काम करना बहुत ही मुश्किल है, मम्मी इतना ज़्यादा पका देती हैं भाई, मम्मी को कोई भी काम पसंद नहीं आता, ऐसे नहीं वैसे करो वैसे नहीं ऐसे करो। अच्छा है कुछ दिशू सुन लेगी डांट, कुछ मैं सुन लूँगी और हमारा काम इसी तरह निपट जाएगा। मैं इन कामों में वैसे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ करवा लेती हूँ, मैं एक अच्छी हेल्पर हूँ हर काम में, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट जो है हमेशा से पढ़ाई में ज़्यादा रहा और काम की तरफ कम रहा, तो मैंने एक एक्सपर्ट बनने की कोशिश कभी भी नहीं की, पर जब भी मम्मी कहती थी कि ये काम करना है तो मैंने मना भी नहीं किया, इसलिए मैं अपने आप को एक हेल्पर मानती हूँ। यस आई एम अ वेरी गुड हेल्पर। काम करने में तो मुझे अभी परेशानी नहीं है, पर मम्मी की एक बात सुनकर परेशानी हो रही है, भाई इतना सारा काम करने के बाद रेस्ट का कोई मतलब नहीं है। मम्मी ने मुझे एक ऑर्डर दे दिया है, बच्चों को लेकर जाना है एक ट्रीट के लिए, एक बच्चे का बर्थडे है और वहाँ ये तीनों मुझे लेकर जाने हैं। अब मुझे सच में गुस्सा आ रहा है, इतना सारा काम कर लिया और रेस्ट का भी टाइम नहीं है, भाई काम पूरा करो और इन बच्चों को लेकर रपट जाऊँ मैं यहाँ से। पर ट्रेजेडी जो है ना वो एक ही जगह पे ख़त्म नहीं होती है, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ पूरा दिन कितना ख़राब रहा, मतलब एक के बाद एक मुसीबत आती चली गई है, इसलिए मैं इस वीडियो को टाइम से पहले ही पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ही दर्दनाक और फनी घटना है जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको हेल्थ की एक टिप्स दे देती हूँ कि कुछ लोग आजकल ये रिसर्च कर रहे हैं कि गेहूँ हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो इतना स्टिकी होता है कि वो जाकर हमारी छोटी और बड़ी आंतों में चिपक जाता है, हमारी स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में, और जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है यानी छोटी आंतें हैं वो कम से कम भी 23 से 24 फुट की होती है, तो जब हम इन दोनों को मीटर्स में देखते हैं तो ये 7.5 या 8 मीटर में हमारी दोनों आंतें होती हैं, छोटी आंत हमारी बड़ी होती है लंबाई में, मतलब लंबी होती है, और बड़ी थोड़ी छोटी होती है, लेकिन दोनों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये 8 मीटर की बैठेगी। तो अब आप सोचो कि जो हमने खाना खाया है वो 8 मीटर का सफ़र तय करता है रोज़, उसके लिए हमारे खाने में अच्छा फाइबर होना चाहिए ताकि वो खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर ले, तो फ्रेश वेजिटेबल्स इसीलिए बताए जाते हैं क्योंकि उसमें जो रेशा होता है ना वो उस खाने को आराम से हाथों से होकर गुजार कर नीचे ले आता है, तो और इसलिए जूसी चीज़ें खाने को बोला जाता है। लेकिन हम लोग एल्कोहल या फिर पेप्सी कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो पीते हैं, तो आप इसको एक सीक्वेंस बना सकते हैं, जैसे किसी दिन गेहूं का आटा खा लिया, उसकी रोटियां खा ली मतलब, और किसी दिन राइस बना लिए, या किसी दिन मोटा अनाज बाजरा वगैरह बना लिया, किसी दिन मक्के की बना ली, तो अगर आप अल्टरनेटिव यूज़ करेंगे इनके तो पेट भी सही रहता है और हमारी हेल्थ को कोई नुकसान नहीं होता। और सब्जियां जब भी यूज़ करें जब तक उसका छिलका जो है वो इतना मोटा और ढीला ना हो जाए कि उसे डाइजेस्ट करना मुश्किल हो, इसलिए सब्जियों का छिलका जब तक बिल्कुल टाइट रहता है ना, सब्जियां टाइट रहती हैं, वो उसी टाइम पे खा लेनी चाहिए। फ्रेश वेजिटेबल्स ही यूज़ करें, आपकी हेल्थ को कोई नुकसान नहीं होगा, मैं गारंटी लेती हूँ। और अगर आप खाली पेट एक गिलास पानी में थोड़ा सा बहुत ही मतलब ल्यूक वार्म वाटर जो होता है जिसको कहते हैं गुनगुना पानी, उसमें ज़रा सा नींबू और आधा स्पून हनी डालकर अगर आप पी लेते हैं तो भी वो हमारी जो इंटेस्टाइन है उनको क्लीन कर देता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे पता है आप लोग ये ज्ञान सुनकर बोर हो गए, ऐसा ही फील कर रहे होंगे ना। तो बिना आराम किए हम लोग चल दिए वहीं पर जहाँ इनका आज ट्रीट है, लेकिन हमारे साथ ट्रेजेडी ये होती है कि हमें जो कैब है उसने छोड़ा तो सही डेस्टिनेशन पे था, लेकिन हम उन्हें इन्फॉर्म किए बिना सरप्राइज़ दे रहे थे टाइम से थोड़ा पहले जाने के लिए, और लेकिन हमें इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि वो मार्केट में थी, तो उन्होंने कहा कि अभी उन्हें 20-25 मिनट लग जाएंगे तो हम किसी पार्क में चले जाएं। पार्क में जाने से बेटर मुझे लगा मौसी के पास चले जाते हैं। हे भगवान क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं। मौसी जी के पास गए हैं तो वहाँ पर मैं रिक्शे से अभी उतर ही रही थी और मैंने देखा इंग्लिश स्टाइल का गेट लग रहा है, मैं समझ गई भाई ये नीचे से नहीं खुलेगा। ऊपर बाद में जाकर स्क्रीन पर हमने रिकॉर्डिंग देखी और हम बहुत हंस रहे थे कि आज हमारा दिन ही ख़राब है। मैंने मौसी को कॉल की रिक्शे से उतरते टाइम ही और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने देखा नहीं, और फिर मैंने दोबारा से ट्राई किया, फिर उन्होंने रिंग को देख तो लिया था लेकिन वो सोच रही थी कि मैं घर पे से ही कर रही हूँ और मौसी कुछ काम कर रही थी, तो उन्होंने ये सोचा होगा कि बाद में दोबारा से कर लूँगी। फिर मैंने दिमाग लगाया और मैंने मौसी के हस्बैंड जो मेरे चाचा हैं फिर उनको कॉल की कि अंकल ज़रा बोलना मौसी जी से हम लोग नीचे खड़े। मुझे अभी हंसी आ रही है, उस टाइम मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि आज मैं किसकी शक्ल देखकर घर से निकली हूँ। डैम आई वॉज इरिटेट लाइक दिस,
फिर मैंने धैर्य से काम लिया और मैंने जो अंकल जी को कॉल की थी, अंकल जी ने उनको इन्फॉर्म कर दिया था और मौसी जी ने फिर बाद में ऊपर से गेट खोलने के लिए कहा। ऊपर एक बटन होता है, वहीं से ही वो ओपन हो जाता है डोर। लेकिन उनके जो नेबर है ना, उन आंटी ने भी मुझे देख लिया था और अभी मैंने उन्हीं से नमस्ते की थी और वो मुझे कह रही है कि मैं की फेंक देती हूँ, आप लोगों का गेट खुल जाएगा। फिर मैंने बोला कि नहीं, मैंने इन्फॉर्म कर दिया है और वहाँ से वो खुल जाएगा। पर इतनी स्वीट है ना वो आंटी जो नेबर है, वो बोलने लगी कि अरे आप ये चाबी ले लो और फटाफट ऊपर आ जाओ बस गेट खोल के। भाई ऐसे लोगों को देख के मुझे लगता है कि अच्छा इंसानियत अभी भी जिंदा है, यहाँ पर जो ये चार पांच बंदर घूम रहे इन पर किसी ने तो तरस खाया ये हम कैमरे से देख रहे हैं कि हम लोग ऊपर आ गए थे, फिर मौसी जी ने डोर ओपन कर लिया था और इतने हंस रहे थे हम सब। बाद में तो हंसी आ रही थी, उस टाइम में बहुत इरिटेट फील कर रही थी। तो गाइज हम पार्टी तो कहीं और करने आए थे और हो कहीं और रही है। हमने मौसी जी से ये मंगवा लिए हैं, इन्होंने ब्रेड भी खाए थे और ये कुछ स्नैक्स खा रहे हैं, उनसे खेल भी रहे हैं। ये शिवा लग गया है खाने, क्योंकि ये लोग जब स्कूल से आए थे तो मैं इन्हें तुरंत ही लेकर चली आई थी। फिर बाद में यहाँ पर थोड़ी सी पेट पूजा करने के बाद हमें कॉल आ गई थी, जहाँ पर फंक्शन था, जहाँ पार्टी थी वो उन भाभी की। और ये है वो बर्थडे बॉय हमारा अभी, इसका नाम अथर्वा है, हम इसे प्यार से अभी बुलाते हैं। और फाइनली हम लोग आ गए हैं अपनी पार्टी की डेस्टिनेशन पर, और तो उसके टॉयज से खेल रहे हैं ये बच्चे, वो दिखा रहा है इतना प्यारा है, इतना स्वीट बच्चा है ये, बहुत ज़्यादा सिंसियर और मैच्योर है। मुझे लगता है ये अपनी एज से ज़्यादा ही मैच्योर हो गया है, इसलिए इसके अंदर ना शैतानियाँ बहुत कम हो गई हैं और सिंसियरिटी कुछ ज़्यादा ही आ गई है। तो बच्चे तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं इसके साथ, मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो इन लोगों के लिए मैं इतनी दूर आई भी हूँ और थोड़े से प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन फाइनली ये लोग इंजॉय कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। अभी को एरोप्लेन बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके पास टॉय भी इतने सारे हैं एरोप्लेन के। और ये केक पर भी देखना, इसने एरोप्लेन ही मंगवाया है, मैं आपको दिखाती हूँ, इसने दो दो केक मंगवाए हैं, एक पे है स्पाइडरमैन और एक पे है एरोप्लेन। इन्होंने इतनी बार क्लैप किया था और अभी खुद भी कर रहे हैं अपने बर्थडे के लिए क्लैप। वो बेचारा इतना इनोसेंट है, उसे नहीं पता क्यों उसे नहीं करना है ये, बल्कि पीछे जो बैठे लोग हैं उनको चीयर अप करना है। पर इतना स्वीट है, इतना प्यारा है, सच में बहुत इनोसेंट है। भाभी ने ये पार्टी सिर्फ हम पाँच बंदरों के लिए अरेंज की थी, जिसमें और कोई भी इन्वाइटेड नहीं था, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि सिर्फ हम लोगों को वैल्यू मिली। बहुत देर पहले ही पूछा कि एप्पल खाओगी, मैंने कहा हाँ, इतनी देर से ये साफ करके इसमें फेंक रही है और जब जाके बहन जी ने ये काटा है, देखो क्या काटा है, वाह भाई वाह, अपने लिए बिल्कुल परफेक्ट काटा है मैंने। अभी से तू पकड़ेगी उसे मुझे देगी। अच्छा इंसान पता कौन होता है जो अच्छी चीज दूसरों को देता है? देखो I'm gonna do a prank on this, उसको लगेगा कि मैं प्यार कर रही हूं, पैंपर कर रही हूं, पर मैं उसे पीटूंगी एक नई टेक्निक के साथ। मैं बुलाती हूँ उसको प्यार से। दिशु, दिशु कम। एक नई टेक्निक प्यार करने की। क्या है? अपने हाथ देना। ऐसा रुक जाओ। तूने कितने सारे मारे थे मेरे थोड़ी देर पहले। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ये फाइट तो हमारी हमेशा चलती ही रहती है, नॉट 24 आवर्स, जितना टाइम इसको मिलता है मुझसे लड़ने और झगड़ने के उतना टाइम लड़ी लेती है ये, और इसको लग गई है शायद ये सिर्फ नौटंकी है ताकि बुआ जो है प्यार से मना ले। फाइनली ये बहन जी हार कर भी जीत जाती है मुझसे, इसीलिए हार कर जीतने वाले को दिशु कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।